कुछ दिन पहले आपने जम्मू में देखा कि नगरोटा जो है वो एक बाइकर को जो है वो चालान किया गया, और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आजकल जो स्पोर्ट्स बाइक है उसका जो चलन एक ट्रेंड जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी है। और आपने देखा है कि राइडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइड करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से हम पूरे गियर्स की बात करते हैं उनके पास पूरा जो है वो सामान होता है, लेकिन उसके साथ जो ये स्टंट्स है आपने देखा कि वो हाईवे पर परफॉर्म करते हैं, और ये जो स्टंट्स है वो बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता या जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से अधिक नहीं होती, वो भी ये स्टंट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, और स्टंट्स जो है वो बहुत ही हानिकारक हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरह की जो बाइक्स हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पर जो है इनका चलन बहुत है। तो चलिए हमारे साथ विक्रम सर, हम इनसे बात करते हैं, इनका जो क्लब है मोटरसाइकिल बाइकर्स क्लब है। सर, मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा कि जिस तरह से आपने देखा कि ये क्लैश थोड़े से दिनों से हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो राइडर्स पहुँचे थे, उनका कहना ये था कि चलिए हम मानते हैं हमारी गलती है, पर जो मॉडिफाई करके देते हैं उन पर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं कल भी देख रहा था, उन्होंने यही कहा था कि हम मॉडिफिकेशन सेंटर्स में जाते हैं तो होता है। सिंपल सा सवाल है, जहर मिलता है दुकान पे, कहीं भी किसी भी किराना शॉप पे मिल जाता है, आप ले भी सकते हो, ज़रूरी नहीं आप खाओगे उसको या खा लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, आप बताइए खा लोगे आप? नहीं खाओगे ना, कोई ज़बरदस्ती दोगे? दिमाग होना चाहिए ना। ये बाइक है, इसमें मॉडिफिकेशन है, मैं कहता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मैंने किया मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन है क्या? नकल गार्ड्स हैं, किस लिए? आपको हैंड इंजरी से बचाने के लिए। इलीगल है, पर ट्रैफिक पुलिस इस पर चलान नहीं करती क्योंकि उनको भी इतनी समझ है। ये मॉडिफाइड है, कैरियर्स हैं, मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि उनको पता है जब हमने टूरिंग पे जाना है हमारे पास सामान होता है, हमने सामान ऊपर लगाना है, बिल्कुल इलीगल नहीं है। इलीगल क्या है? आपने साइलेंसर चेंज किया है, आपने साइलेंसर ऐसा लगाया जिसमें जो 80 डेसिबल से ऊपर है, ट्रैफिक के नियम के हिसाब से आपको 80 डेसिबल तक अलाउड होता है, उसमें भी आपको दिक्कत किसी को नहीं होती यार। मैं अगर साइलेंसर चेंज किया, मैं आराम से जा रहा हूँ 30-40 की स्पीड में, आपको क्या दिक्कत होगी मेरे से? दिक्कत आपको तब होगी जब मैं आपके पास ब्रेक मार के ना उस पर रेस दूंगा, तब आपको दिक्कत होगी, आपके मुझसे गाली निकलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने भी उसी के खिलाफ जो है एक्शन लिया था, मॉडिफिकेशन का बहाना इन्होंने मॉडिफिकेशन का बनाया। मेन बहाना ये था कि ट्रैफिक पुलिस ने इनको स्टंट करने से रोका, जिसकी हमारे पास वीडियो प्रूफ पड़े हुए हैं, मैंने कल भी अपने सोशल मीडिया पर डाले थे, काफ़ी मेरे जो प्रेस के दोस्त हैं उनके पास भी वो प्रूफ्स हैं, आप ओपनली देखोगे यार आपको भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो भरे पड़े हैं जम्मू के इनसे, जो स्टंट या नरवाल वाली साइड आपका आपका जो मेन बेल्ट है वो है कुंजवानी से लेकर नगरोटा तक, ठीक है? आप जब भी निकलोगे, अभी निकलो आप 10 मिनट में, आपको अभी ही कोई 5-7 ग्रुप वहाँ पर मिल जाएंगे जो ऐसे ही लोगों की जान खतरे, ये नहीं है कि अपनी डाल रहे, अपनी डालो यार जो मर्जी करो, आप लोगों की जान खतरे में डालते हैं। आप स्कूटी चलाओगे, आपके सामने से कट मारेंगे, आपसे ब्रेक नहीं टाइम पे लगी, आपके बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और कल एक मैं देख रहा था, एक ने वीडियो डाली, उसने तो बेचारा वो सरदार जी एक आ रहे हैं स्कूटर लेके, उनको हिट किया है कट मारते मारते, सरदार जी नीचे गिरे हैं, बस अपनी पगड़ी की वजह से वो बच गए। उनकी जगह कुछ और कोई बुजुर्ग इंसान होता जिसने पगड़ी नहीं पहनी है तो वो तो अगर सिर्फ नीचे लगता आप समझ सकते हो क्या हो सकता उसमें, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? आ जाके यही कहना कि ट्रैफिक पुलिस या चोर है या ये हम पे ऐसे करता है, हर चीज़ का हल ये नहीं होता है। आप अपने अंदर देखिए ना आप क्या करते हैं। मेरे को लगभग 5 साल हो गए ग्रुप चलाए हुए, और कम से कम मेरे को 15 साल हो गए राइडिंग करते हुए, हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से सोसाइटी ने हमें गलत बोला, हमारी इमेज ख़राब हो। इससे ये किया कि हमने 5 साल से ऐसे काम किए हैं कि सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दिया है। हमने काफ़ी रैलीज निकाली, अगेंस्ट मॉलेस्टेशन निकाली, ठीक है, वुमेन राइट्स के लिए लगाई, स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें रैली करने के यहाँ पे बोला था जम्मू में, ड्रग्स के अगेंस्ट हम हर साल रैलीज करते हैं, हम 26 जनवरी 15 अगस्त को रैलीज करते हैं इंडिपेंडेंस डे और इस पे रिपब्लिक पे तिरंगा रैलीज, मतलब अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का जो एक है ना नज़रिया है बाइकर्स की तरफ वो चेंज हो। 5 साल से हम मेहनत करते हैं, आप 2 मिनट के अपने स्टंट की वीडियोज़ के लिए और कुछ फॉलोअर्स के लिए हमारी इमेज सारी खराब कर रहे हो, होता कुछ है नहीं। आपकी वजह से क्या होता है कि पुलिस वालों ने आपको रोकना है, अगर मैं भी कैमरा डाल के जा रहा हूँ ना पुलिस वालों ने मेरे को भी रोक लेना यार, कैमरा लगाया ये स्टंट मार रहा होगा पक्का। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है पुलिस की, ऐसी बात नहीं, हम अपनी वीडियोस दिखाते हैं वो समझ जाते हैं, पर आप किस किस को समझाओगे? हजारों नाके हैं जम्मू में, आप कहाँ कहाँ अपनी वीडियोस दिखाओगे और बोलोगे उनको? एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर और रहेगा, आपने देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बाइक लेके देते हैं, कुछ जो है वो अंडर एज होते हैं, लेकिन वो बच्चे भी जो है स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, अपनी वीडियोज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पुलिस की नहीं है, आपकी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। आप, मैं जैसे पहले भी बताया कि आप पैसे से आप बाइक ले लोगे, पैसे से आप अपना बच्चा वापस नहीं ला सकते, अपना तो गया ही गया, किसी और का मार देगा उसका क्या आप जवाब दोगे? उसकी तो गलती भी नहीं होगी ना बेचारे की, जैसे मैं अंकल की बात कर रहा था जिसको गिराया, कल को आपके सामने मार दिया, आप कहीं पे आपको थोड़ा डैमेज आपके सिर पे हो गया या कहीं पे हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बहुत बार हुआ भी है कि हमने बहुत सी जाने के बाद, दूसरी बात एक और बताता हूँ, कुछ तो ऐसे बंदे हैं जो एक्सीडेंट की वीडियो भी ना चोर से डालते कि हमने किया यार, पुलिस वालों का नाका तोड़ के गया एक बाहू प्लाजा में, उसने उसकी भी डाली हुई है कि मैं पुलिस वालों से निकल के गया और पुलिस ने फिर भी कुछ नहीं किया जबकि बाइक का नंबर उसका सामने दिख रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे आपको दिखता है आप ट्रेस कीजिए, बाइक का नंबर ट्रेस कीजिए ना, आपको तो सब कुछ पता है, पुलिस हो यार, सब कुछ हो सकता है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए ना, आप जब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए ना अपने आप सब कुछ बंद हो जाएगा।
जी, जब कार्रवाई हुई थी थोड़े दिन पहले, तो आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे युवक थे, मतलब युवा थे, वो किस तरह से यंगस्टर गुस्से में आ गए, वो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने ये भी देखा? मैम वही तो दिक्कत ही है ना फिर ऐसे लोगों का। देखिए मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा, सबको पता होता है कि जो ऐसे लोग हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है ना। ये जब बोल रहे थे ना, वो इनका अपनी वो नहीं थी, जुबान नहीं थी, ये अपने से नहीं बोल रहे थे, ये अंदर से ही इनको निकल रहा था, कुछ ऐसा करके आए होंगे कि गुस्सा निकालना है। एक तो बेचारा आपने ही हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहीं वीडियो डाली थी, वो उस पर उनको गालियाँ दे रहे हैं नीचे कमेंट्स में कि तेरे को क्या हो रहा है, हम स्टंट मार रहे हैं, तो और यहाँ पे आके मुकर रहे हैं कि भाई हम तो स्टंट नहीं मारते हैं। एक बंदा मेरे को शाम को फ़ोन करता है कि भैया मेरा छोटा भाई था उसने स्टंट मारा, पोस्ट डिलीट कर दो, और कल को यहाँ पर खड़ा था वही बंदा। मतलब आप एक तरह से आप देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज भी करेंगे, अगले दिन आप प्रोटेस्ट भी कर देंगे कि नहीं जी पुलिस वाले गलत। एक मेरा लास्ट वन आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आप इस तरह से जिस तरह से आप यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आप अपने जितने भी स्टंट मारते हैं या जितने भी राइडर्स हैं, क्या आप उनके लिए अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे ताकि उनके पास नॉलेज की बहुत कमी है, ताकि उनको नॉलेज मिल पाए? देखिए मैम, हम हर साल जो है ना, हमारा RTO ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ एक रैली होती है, हर साल होती है, यहाँ पे होती है, सांबा में होती है, कठुआ में होती है। उस रैली का मेन मकसद यही होता है कि जो यंगस्टर है उनको बताना कि आपने रूल फॉलो कैसे करना है, सेफ्टी आपने अपनी और दूसरों की कैसे करनी है, अपनी भी आपके हाथ में, दूसरों की भी आपके हाथ में। हम हर साल करते हैं, पर इस मुद्दे को लेके हम अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल जो है एक राइड ऑर्गेनाइज करेंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ ही मिलकर करेंगे। हाँ जी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से, जिनके वार्ड्स हैं, जिनको पेरेंट्स को तो पता ही होता है मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को और दूसरे के बच्चों को खतरे में मत डालिए। बिल्कुल, इनसे बात करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि ये बच्चों को लेकर एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे, और मोटरसाइकिल बाइकर्स क्लब का जो एक यहाँ पर मैं कहूँ एक दायित्व बनता है अपनी सोसाइटी के लिए, उस पर भी बात हुई। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।